प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों और तीमारदारों का हाल जाना। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज दतिया के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्टाफ के व्यवहार के बारे में भी पूछताछ की। डॉक्टर मिश्रा ने CMHO डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय और सिविल सर्जन डॉक्टर DP गुप्ता को निर्देश दिए कि मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही उनको तत्काल समुचित उपचार मिले, इसमें कोताही न बरती जाए। बता दें कि अस्पताल में अभी हाल ही में 100 बिस्तरों का एक नवीन वार्ड तैयार हुआ है। इस वार्ड को शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राजेश गौर को दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को सारी सुविधाएं एक ही जगह मिलनी चाहिए। आज जिला चिकित्सालय का माननीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा जो है निरीक्षण किया गया, और उन्होंने सर्वप्रथम जो जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी यूनिट स्थापित, नई इमरजेंसी यूनिट ऐसे स्थापित की गई है जिसमें कि सभी सेवाएं एक छत पर रखी गई हैं। आकस्मिक ड्यूटी का डॉक्टर्स, उसके बाद उसमें जो है 10 पलंग का कैजुअल्टी वार्ड, उनके द्वारा का उन्होंने निरीक्षण किया, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ECG तथा इमरजेंसी में सभी पर्चे वहाँ पर बनाने का निरीक्षण किया और उन्होंने उस पर संतोष व्यक्त किया और ये भी निर्देशित किया कि वो मरीजों को सभी सुविधाएं एक ही छत पे देना रखें। इसके उपरांत उन्होंने सभी वार्डों का, फीमेल मेडिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया, डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण किया तथा नई बिल्डिंग में एक 100 बिस्तरीय अस्पताल जो कि बन चुका है, उसके लिए उन्होंने डीन मेडिकल कॉलेज को निर्देशित किया कि उसको तुरंत प्रारंभ किया जाए, उसके लिए तुरंत जो है फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।